नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे जीतू भैया व्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। एक बार देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से पतिव्रता स्त्रियों के विषय में प्रश्न पूछा। तब भगवान विष्णु ने पतिव्रता स्त्रियों के तीन लक्षण बताए। जिस भी नारी के अंदर यह तीन लक्षण होते हैं, उस स्त्री का वंश स्वच्छ और शुद्ध होता है। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी का सदैव वास होता है। ऐसी स्त्री के पति के साथ साथ पिता के भी कुल के लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं, वह मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक को प्राप्त करती हैं। पतिव्रता स्त्री की महानता का वर्णन करते हुए भगवान विष्णु ने एक अत्यंत पवित्र कथा सुनाई है। इस कथा का श्रवण करने मात्र से ही व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं। प्रत्येक मनुष्य को इस कथा को ध्यान से सुनना चाहिए। शुरू करने से पहले आप सभी से विनती है कि आप कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे जीतू भैया व्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो। मित्रों, प्राचीन काल की बात है। सुमध्य प्रदेश में एक अत्यंत भव्य नगरी थी। उसमें एक पतिव्रता ब्राह्मणी रहती थी। उसका नाम था शांता। शांता का पति पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में कौड़ी हो गया था, अर्थात उसे कोढ़ का रोग हो गया था। उसके शरीर में बहुत सारे जख्म हुए थे, जो सदा पसीसते रहता था। अपने पति की ऐसी कष्टदायक दुर्गति देखकर भी शांता ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा और निर्मल भाव से वह अपने पति की सदा सेवा करती रहती थी। पति के मन में जो जो इच्छा होती, उसे वह अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूर्ण करने का प्रयास करती थी। शांता प्रतिदिन देव पूजा की तरह ही अपने पति की पूजा करती थी और अपने मन की सभी इच्छाओं का त्याग करके अपने पति के प्रति विशेष स्नेह रखती थी। फिर एक दिन शांता के पति को रास्ते से जाती हुई एक अत्यंत सुंदर वेश्या दिखाई दी। उस सुंदर वेश्या को देखकर उसका पति काम वासना से भर गया और उस वेश्या का यौवन देखकर उसके मुंह में पनी आ गया। उस वेश्या के सुंदर रूप ने उस ब्राह्मण को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उसके रूप को देखते ही वह आह भरने लगा, लंबी लंबी सांसें खींचने लगा और जब वह वेश्या उसकी नजरों से दूर चली गई तो वह बहुत दुखी और उदास हो गया। जब शांता ने अपने पति की आवाज को सुना, तब वह पतिव्रता तुरंत दौड़ती हुई घर से बाहर आ गई और अपने पति से पूछने लगी, हे स्वामी, क्या हुआ? आप इतने दुखी क्यों हो गए? आपने लंबी लंबी सांसें कैसे खींची? आपको जो भी कष्ट है मुझे बताइए, जो भी कार्य हो आप मुझे बताइए, वह मैं पूर्ण करने का प्रयास अवश्य करूंगी है। पत्नी के इस प्रकार से पूछने पर उसके पति ने कहा, है प्रिय, मुझे जो चाहिए वह तुम नहीं दे सकती, तुम ही क्या, कोई भी मुझे नहीं दे सकता, इसीलिए उस पर व्यर्थ बात करना उचित नहीं है, इसीलिए तुम रहने दो। फिर वह पतिव्रता बोली, हे स्वामी, मुझे विश्वास है कि मैं आपके कार्य को अवश्य सिद्ध कर सकती हूँ। आप केवल मुझे आज्ञा देने का कष्ट करे, मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर उस काम को पूरा करूंगी। उस कार्य को पूर्ण करने के लिए जो भी उपाय होगा मैं करूंगी। अगर मैं आपके इस कार्य को पूरा कर सकी तो इस लोक में और परलोक में मेरा कल्याण नहीं होगा। फिर क्या था? इतना सुनते ही शांता के कोड़ी पति ने कहा, हे प्रिय, ठीक है, बताता हूँ। अभी अभी इस रास्ते से एक अत्यंत सुंदर वेश्या जा रही थी। उसका शरीर अत्यंत सुंदर और मनमोहक था, जिसे देखकर मेरा हृदय कामाग्नि से भर गया है। यदि तुम ऐसा कोई उपाय करो जिससे वह सुंदर वेश्या मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। हे देवी, तुम उससे मेरा मिलन करवाकर मेरी काम अग्नि को शांत करो। पति के द्वारा ऐसा वचन सुनकर वह शांता अत्यंत दुखी हुई और बोली, हे स्वामी, आप धैर्य रखिए, मैं आपके इस कार्य को अवश्य सिद्ध करूंगी और उस वेश्या से आपका मिलन करवाऊंगी। इतना कहकर उस पतिव्रता नारी ने मन ही मन कुछ विचार किया और फिर रात्रि के अंतिम प्रहर में उठकर वह गोबर और झाड़ू लेकर घर से चली गई। जाते समय उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। फिर वह उस सुंदर वेश्या के घर पर पहुंच गई और उसने उस वेश्या के घर के आंगन में झाड़ू लगाया और गोबर से लीपकर उसका आंगन अत्यंत सुंदर बना दिया और लोगों की नजर पड़ने से पहले ही शीघ्रता से अपने घर को लौटकर आ गई।
इस प्रकार से उस पतिव्रता स्त्री ने 3 दिनों तक उस वेश्या के घर के आंगन में झाड़ू लगा लगाया और गोबर से लीप कर उसका आंगन स्वच्छ किया। उधर वह वेश्या अपने आंगन को देखकर अपने सेवकों से पूछने लगी, अरे वाह, आज आंगन की इतने अच्छे से सफाई किसने की है? जिसने भी मेरा आंगन की सफाई किया है, मैं उसकी इच्छा पूर्ण करूंगी। फिर वेश्या के सेवकों ने कहा, हे स्वामिनी, घर के आंगन की सफाई तो हमने नहीं की, हमारे जागने से पहले ही कोई इस आंगन की सफाई करके चला जाता है। सेवकों की बात सुनकर वेश्या को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी कि आखिर कौन आकर उसके घर के आंगन को साफ कर रहा है। फिर उसने जानने के लिए रात को जागने का निश्चय किया और छिप कर देखने लगी साफ कर रहा है। फिर उसने जानने के लिए रात को जागने का निश्चय किया और छिप कर देखने लगी। तभी उसने देखा कि सुबह सूर्य उदय से पहले सुबह भोर में ही एक ब्राह्मणी स्त्री आकर उसके घर के आंगन को साफ कर रही है। ब्राह्मणी को देखते ही वह वेश्या बोली, हे देवी, आप यह क्या कर रही हो? क्यों मुंह जैसी पापिनी स्त्री के घर का आंगन साफ कर रही हो? मुझे क्षमा करो, आप यह काम मत करो। इतना कहकर उस वेश्या ने उस ब्राह्मणी के पैर पकड़ लिए और कहा है, पतिव्रते, आप क्यों मेरी आयु, यश, संपत्ति, कीर्ति का विनाश करने की चेष्टा कर रही हो? मैंने आपका कौन सा अपराध किया है? हे साध्वी, आपको जो चाहिए वह मांगो, मैं बिना सोचे ही आपको दे दूंगी, किंतु आपको यह कार्य शोभा नहीं देता है। तब उस पतिव्रता ने उस वेश्या से कहा, हे सुंदरी, मुझे धन की लालसा नहीं है, किंतु तुम ही से मुझ कुछ काम है। यदि तुम मेरे इस कार्य को पूर्ण करोगी तो मेरे मन को शांति मिलेंगे और तभी मैं समझूंगी कि तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया। फिर वो हवेशा बोली, हे पतिव्रते, आपका जो भी अभिष्ट कार्य है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। माता, आप महान पतिव्रता है, आपका कार्य करूंगी तो मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आपके चरण छू लेने से ही मैं पाप से मुक्त हो चुकी हूँ। कृपया आप जल्दी बताइए मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकती हूँ। फिर उस पतिव्रता ने शर्माते हुए कहा है, सुंदरी, कुछ दिनों पहले मेरे पति की नजर तुम्हारे शरीर पर पड़ी थी, जिसे देखकर वे तुम्हारे शरीर के मोह में पड़ गए हैं और तुमसे मिलन करने की इच्छा कर रहे हैं। इतना सुनकर वह वेश्या चौंक गई और कुछ क्षणों तक विचार करने लगी। उस दुर्गंध युक्त कोड़ी पुरुष के साथ संबंध बनाने की बात सोचकर उसे बड़ा दुख होने लगा। वह वेश्या ब्राह्मणी से बोली, हे देवी, अगर तुम तुम्हारे पति को लेकर मेरे घर पर आ जाओ तो मैं एक दिन के लिए उनकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। तब उस पतिव्रता ने कहा, हे सुंदरी, मैं आज रात को ही अपने पति को लेकर तुम्हारे घर पर आ जाऊंगी और जब वे तुमसे अपनी तृप्ति करके संतुष्ट हो जाएंगे तब मैं फिर से उनको अपने घर वापस ले जाऊंगी। तब वेश्या बोली, हे पतिव्रते, तुम शीघ्र ही अपने घर पर चली जाओ ताकि कोई तुम्हें यहाँ पर ना देखे, और आंधी रात को अपने पति को लेकर यहाँ पर चली आओ, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। फिर वह पतिव्रता स्त्री अपने घर पर चली गई और उसने अपने पति को सारी बात बता दी कि वह आज रात को उसे वेश्या के घर पर ले जाएगी। फिर वह कोड़ी अपनी पत्नी से बोला, हे कल्याणी, तुम एक महान नारी हो, तुमसे मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम्हारे कारण मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। तुमने आज जो काम अपने पति के लिए किया है ऐसा काम संसार की कोई स्त्री नहीं कर पाएगी। हे देवी, तुम धन्य हो। फिर रात हो गई और वह पतिव्रता स्त्री अपने पति को पीठ पर बिठा कर लेकर जाने लगी। रास्ते में एक जगह पर परम तेजस्वी मांडव ऋषि को गलती से चोर समझकर राजा ने उन्हें शूली पर चढ़ाया हुआ था। वह शूल मांडव ऋषि के आधे शरीर के अंदर था, किंतु फिर भी वे जीवित थे और अपनी तपस्या में लीन हो गए थे। जब रात के अंधकार में वह पतिव्रता ब्राह्मणी मांडव ऋषि के नजदीक से गुजर रही थी तो गलती से उसके कोड़ी पति का पैर मांडव ऋषि के शूली को लग गया और उनकी तपस्या भंग हो गई। मांडव ऋषि अत्यंत क्रोधित हो गए और श्राप देते हुए बोला, जिस पापी ने भी मेरी तपस्या भंग की है और मुझे कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया है वह पापी सूर्योदय होते ही भस्म हो जाएगा। ऋषि मांडव के श्राप देते ही वह कोढ़ी जमीन पर गिर पड़ा। ऋषि मांडव का श्राप सुनते ही उस पतिव्रता को बहुत दुख हुआ।
और वह कहने लगी, आज के बाद से सूर्य का उदय ही ना हो। इतना कहकर वह पतिव्रता अपने पति को लेकर घर चली गई और अपने पति को शैया पर लिटाकर उसके पास बैठ गई। पतिव्रता की वाणी में इतनी शक्ति होती है कि वह जो भी कहती है वह सत्य हो जाता है, और पतिव्रता के कहने पर साक्षात सूर्य देव को भी उसकी इच्छा का पालन करना पड़ता है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने ही पतिव्रता स्त्रियों को यह वरदान दिया है कि वे जो बोलेंगे वह अवश्य ही सिद्ध हो जाएगा। फिर पतिव्रता के कथन के अनुसार सूर्योदय